लो, एक बार फिर घूम फिर कर हम अपने घर आ गए। फिर अपने घर आ गए। जिंदगी गुजर गई तलाश में, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, यहां तक कि कितने मुल्क ढूंढ डाले, वो नहीं मिला अफसर, वो नहीं मिलेगा। बस करो, खुदा के लिए बस करो। अब तुम्हारी तो अपनी हालत ठीक नहीं, अपने आप पे रहम करो, बस करो। अब नहीं मिलेगा वो। वो मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, उसे तलाश करना ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे जरूर मिलेगा, मेरी बख्शिश के औजार तो उसी के पास हैं। मिलेगा मुझे, मिलेगा। चलो चलो ऊपर चले। Klitschko's return against Canada's own Curtis Johnson. Who can forget about Klitschko's incredible fight against Lennox? December 14th, only on pay-per-view. Order and get the fifth set in a series of WrestleMania 20 collectible trading cards from Flair. Fighting championships. Enter the next level of fighting. Explosive power of Mirko Krokop. Bushido. The Ultimate Fighting Championship presents Ultimate New Year's Eve. 6 hours of the most exciting fights from 10 years of the UFC. The hardest slams, the best submissions, the biggest knockouts. 6 hours of the best fighters in the best fights. Wednesday, December 31st on... मैंने उससे कहा कि तुमने सर्वर को देखा, मुझे टेलीफोन पर कहता है शट अप। अच्छा छोड़ो, जाने दो, ये लो चाय पियो तुम, एहतियात से। ये चाय है या जहर? ये मीठा जहर है, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, पीलो, पीलो सर। मैं उससे मिले बगैर मरना नहीं चाहता। फिर वही बात। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, पहले मेरे मरने का इंतजार करो। ठीक है। जब मैं मर जाऊं तो फिर तुम उससे मिल लेना, ठीक है? ठीक है। और खूब अच्छी तरह अपने दिल का गुबार निकाल लेना, ठीक है? ठीक है। चलो चाय पियो, ये लो ये केक ले लो, ये। ठीक है। ये क्या करते रहते हैं अफसर आप, ये क्या है? छोड़ें इसे। ठीक है। मैंने उससे कहा तुमने सर्वर को देखा है।
שנה. ओ शिट, उठो यार उठो। क्या बात है यार भाई, वक्त देखो जाना है। उठ जाओ भाई, ओ भाई उठ जाओ। क्या हम सो जाओ यार, टाइम देखो यार। क्या हुआ टाइम, ओ मारे गए यार। टीवी उधर चल रहा है अफसल, जाने कहाँ देख रहे हो तुम। अफसल दवाई पी ली तुमने? पी ली। टाइम बहुत गुजर गया अफसल, मैं बहुत थक गई हूँ। पी ली। चलो उठो, शाबाश, कमरे में चलो उठो। पता है कल हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। अरे पी ली बाबा, पी ली। आराम से। कल सुबह डॉक्टर के पास जाना? हाँ जाना तो पड़ेगा ना। हाँ जाना तो पड़ेगा। चलो सो जाओ, चल के जाना तो पड़ेगा ही। चलो आराम से बैठ जाओ। अफसल अब तुम आराम से बैठ जाओ यहाँ, हर रोज की तरह, ठीक है? और कोशिश करना जरा जल्दी नींद आ जाए तुम्हें। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं सो जाऊँ? ठीक, आराम से बैठो, ठीक है?
अफसल अफसल उठो, बाहर कोई है। अफसल कौन है, कौन है? अफसल अफसल ठहरो, मुझे जाने दो, मुझे जा, नहीं जाने, रुक जाओ, रुक जाओ, अफसल रुक जाओ, दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा नहीं खोलना। अफसल तुम्हें पता नहीं आजकल क्या हो रहा है? मैं इसीलिए तो दरवाजा खोलना चाहता हूँ कि आजकल जो कुछ हो रहा है उसका अजाब हम पर ना। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? दरवाजा खुलने पर हम सब कुछ बता देंगे सर, जल्दी कीजिए। मैं कहता हूँ कौन हो तुम लोग? दरवाजा खोलने पर हम अपना तारुफ जरूर करवाएंगे सर, हम कोई गैर मुहज्जब लोग नहीं हैं। मुझे जाने दो। अफसल अफसल क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बच्चों मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ सुल्ताना, अपने कमरे का दरवाजा, खुलने और बंद होने वाला दरवाजा। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर ऑनर्ड। क्या चाहते हो तुम लोग? हम जो कुछ भी घर पर है बस वही चाहते हैं, ना ज्यादा ना कम। देखो मेरा नाम अफजल है, ये मेरी बेगम है, और मैं एक बाइज्जत रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मेरा नाम मिस्टर एक्स है और ये दोनों डाकू मेरे साथी हैं। हम दोनों सर के असिस्टेंट हैं। हम दोनों सर के शागिर्द हैं। और दोनों सर के जानिसार। आपके पास कोई नकदी, तलाई जेवरात, डायमंड ऑर्नामेंट्स या किसी भी मालियत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? लेकिन बेटर, जो कुछ भी है हमारे पास वो घर पर तो नहीं होता ना, वो तो सारा कुछ लॉकर में होता है। और तुम्हें पता है लॉकर तो इस वक्त नहीं खुलवाया जा सकता। अगर आप माइंड ना करें तो सामने वाली अलमारी और ड्रेसिंग रूम का सेफ और फाइल कैबिनेट का ताला खोल दीजिए, हमें एक नजर दिखा दीजिए, हमारी तसल्ली हो जाएगी। चलिए खड़ी बात तो सुनो। अरे घर में यही कमरा है। अरे बात सुनो, अरे बात सुनो, देखो ताला एक बार खोल दीजिए, हमें एक नजर दिखा दीजिए, हमारी तसल्ली हो जाएगी। क्या आप एक मिनट को ये नकाब उतार कर अपना चेहरा दिखा सकते हैं? मेरा चेहरा? बेटा हमारे पास तो कुछ नहीं है घर में, और जो कुछ भी है वो तो लॉकर में रखा हुआ है। हम तुम्हें कल ला के दे सकते हैं वो, और वो भी कुछ खास नहीं है बेटा। असल में हमने अभी अपनी बेटी की शादी की है हाल ही में, तो राणा साहब तो अपनी 30 साल मुलाजमत में कभी हराम का एक पैसा भी घर नहीं लाए। थैंक यू मैडम, शुक्रिया सर। आप ये तीनों ताले खोल दीजिए, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक इन्हीं तीनों तालों के अंदर आपकी पूरी कायनात है। आप लोगों की इतला बिल्कुल दुरुस्त है, इन्हीं तीनों तालों के अंदर हमारी पूरी कायनात है। इसकी जरूरत है सर? हथियार निकालने की क्या जरूरत है? रहने दो यार, शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा भी है, ये तो वैसे ही मरा हुआ होगा। मैं जब तक ये ताले खोलता हूँ आप अपनी नकाब उतार दीजिए। हम में से कोई भी अपना नकाब नहीं उतार सकता, ये नामुमकिन बात है। किसी का भी चेहरा उड़िया नहीं हो सकता, कोई भी अपना मुंह नहीं खोल सकता। मैं मुंह खोलने के लिए तो नहीं कह रहा, आपके सरदार से दरखास्त कर रहा हूं कि ये अपना नकाब उतार कर चेहरा दिखा दे मुझे। मैं जेंटलमैन प्रॉमिस करता हूं, बिल्कुल मैं इस रूनुमाई का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। यार मेरे ख्याल में इनकी तसल्ली करा ही देनी चाहिए। क्यों सर, क्यों, क्या कर रहे हैं सर आप? मुझे अपना चेहरा दिखाई देना चाहिए। सर इस तरह हम तबाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे सर, सारा गैंग पकड़ा जाएगा सर। देखो